ठेलिया पर सवार पति पत्नी एटापल्ली तहसील के सुरजागढ़ प्रकल्प से कच्चे माल की ढुलाई कर रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दोपहिया को टक्कर मार दी। दोपहिया पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति मामूली रूप से घायल हो गया। घटना मंगलवार की शाम 5:30 बजे के दौरान आलापल्ली आष्टी मार्ग के दामपुर शांतिग्राम गाँव समीपस्थ घटी। इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने सुरजागढ़ प्रकल्प से माल की ढुलाई करने वाले 8 ट्रकों को रोककर आग लगा दी। वही 5 ट्रकों की तोड़फोड़ की। तनाव की स्थिति निर्माण होते ही पुलिस अधिकारी व जवान तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। सुरजागढ़ प्रकल्प के खिलाफ नागरिकों में तीव्र रोष व्यक्त किया जा रहा है। वही इस घटना को लेकर संपूर्ण जिले में खलबली मच गई है। मुलचेरा तहसील के कांचनपुर निवासी सुभाष जयधर व उसकी पत्नी बिजोली जयधर यह दोनों किसी काम के सिलसिले में अहेरी गए थे। काम निपटने के बाद शाम के समय दोनों पति पत्नी दोपहिया पर सवार होकर अपने गांव कांचनपुर की ओर वापस जा रहे थे। इसी दौरान आलापल्ली आष्टी मार्ग के शांतिग्राम गांव के समीप पहुंचते ही पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दोपहिया को टक्कर मार दी, जिसमें बिजोली जयधर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं सुभाष जयधर मामूली रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद लक्ष्मीपुर व दामपुर गांव में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और ट्रकों को रोकना शुरू कर दिया। इस घटना के 3 वर्ष बाद मंगलवार आलापल्ली आष्टी मार्ग के लक्ष्मीपुर दामपुर के बीच हुए हादसे के बाद लोगों ने 8 ट्रकों को जलाकर 3 वर्ष पुराना इतिहास दोहराया है।